देखिए, अगर आपके पास नॉइस की स्मार्ट वॉच है, चाहे वो नॉइस कलर फिट हो, नॉइस एक्टिव हो, कोई सी भी वॉच है और उसकी चार्जिंग बहुत जल्दी उतर जाती है, तो हम उसे कैसे मैनेज करें कि चार्जिंग इतनी जल्दी ना उतरे, हमारा बैकअप अच्छा रहे, चार्जिंग क्यों उतर जाती है, उसे हम कैसे सही करें, यह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको ये बटन दबाना है, ये बटन आपको एक दो बार दबाना है, आप ये मेन्यू में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, सेटिंग्स में चले जाइए। देखिए, अब आपको इस वॉच में बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं होती है, वो बेवजह चालू रहती हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं होती है। कभी कभी रिस्ट वॉच की भी जरूरत नहीं होती है, कभी रियल टाइम हार्ट रेट की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी चीज की जरूरत नहीं है, आप यहां से बंद कर दीजिए और वॉच फेस ऐसे लगाइए, फेसेस जो ज्यादा कलरफुल, ज्यादा ब्राइट ना हो, तो आपकी बैटरी बचेगी, ठीक है। अब हम वापस से सेटिंग में आते हैं। उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, तो आप उन्हें बंद कर दीजिए। अब यहां आती है आपकी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस को आप जब जरूरत हो तो ही रखिए, ये ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर दीजिए, जितनी जरूरत हो उतनी ही ब्राइटनेस रखिए। जैसे आप यहां से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो कम ही रखिए, जब जरूरत हो आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। ज्यादा लाइट होगी, बाहर रोशनी होगी, तो आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप इसे कम ही रखिए। ये सब तरीके हैं आपकी चार्जिंग बचाने के। और भी कोई तरीका अगर आप यूज करते तो आप मुझे बताइए, इससे आपकी चार्जिंग बहुत बचेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।